गुड इवनिंग, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है, आप देख रहे हैं पाथफाइंडर्स। आज क्लास 9 चैप्टर मोशन का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पीड और एवरेज स्पीड। द टॉपिक स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर क्लासेस ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर लर्निंग द स्पीड एंड एवरेज स्पीड वी मस्ट नो अबाउट द फ्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट। If you had not studied about the concept of distance, you can go through the playlist of my channel and where you can learn and found a video regarding the distance and displacement. So now we will begin the topic with these words. Distance kya hota hai? Dekho yaar, distance hota hai total path length. Motion ke dauran agar maan lijiye koi bhi particle hai, for example maine ye position ko kaha ye position hai wo rahi, ya maine ye kaha Lucknow, और ये पोजीशन मैंने कहा ये पोजीशन है आपकी कानपुर। ओके, सो दिस पोजीशन इज और लखनऊ एंड दिस पोजीशन इज कानपुर। व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स थ्रू दिस पोजीशन, दिस इज द डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ। मोशन के दौरान बॉडी एक्चुअली में कितना आगे चल गई है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ इसको यहां से लेकर यहां तक चलने में कितना टाइम लगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक मान लो जो चला उस डिस्टेंस को हमने मान लिया डी, और यहां से यहां तक बॉडी को आने में टाइम लगा कितना, मान लीजिए टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन आपका हो गया टी। तो बेटा स्पीड इज डिफाइंड एज व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम नहीं पता आपको, मैंने लिखा भी है यहां पे पर यूनिट टाइम क्या होता है। यूनिट टाइम, यूनिट मींस वन यूनिट, गेटिंग माय पॉइंट, यूनिट मींस वन, यानी कि आप वन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें कि वन आवर में, वन सेकेंड में, वन माइक्रोसेकेंड में कितना बॉडी चल गई। जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आप कहते हैं मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर पर आवर में चल रही है। अब जैसे देखा होगा अक्सर आप लोग मोटरसाइकिल दौड़ाते हो, अभी तो आ गए हो नाइन्थ क्लास में, पक्का बाइक चलाने की कोशिश कर रहे होगे, तो आपने देखा होगा जब आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक की स्पीड 40 हो गया, तो वो 40 जो बताता है मीटर, वो क्या बताता है, वो बताता है 40 किलोमीटर इन वन आवर। मींस इफ यू विल ट्रेवल थ्रू दैट स्पीड, यू विल ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस, यू विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एंड यू विल ट्रेवल इट इन वन आवर। Getting my point? So speed is defined as distance traveled per unit time, and the formula is speed is equal to distance upon time. Per unit यानी कि यहाँ देखिए वन आ गया, जैसे मैंने कहा sound travels with 320 meter per second. ये वाकई साउंड की स्पीड है, 320 से लेकर 340 मीटर पर सेकंड तक वैरी करती है, और ये आपके सिलेबस में भी है, आपको जानना इसे जरूरी है। द स्पीड ऑफ साउंड इज 320 टू 340 मीटर पर सेकंड इन एयर, ये एयर में है, वाटर में मत कहिएगा कि सर वाटर में तो 1530 मीटर पर सेकंड होती है। एक्चुअली इट चेंजेस फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, व्हेन आई विल गो थ्रू द साउंड चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन डीपली। ओके, सो साउंड ट्रेवल्स 320 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मीन्स इट ट्रेवल 320 मीटर इन वन सेकेंड। अगर आप किसी भी चीज को पर यूनिट टाइम में बता रहे हैं, मीन्स आप उसको वन यूनिट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स साउंड ट्रेवल 320 मीटर इन वन सेकेंड, वी कैन ऑल्सो राइट एज 320 मीटर पर सेकेंड। The body is traveling 40 km in 1 hour. It means it travels with 40 km per hour. 40 km distance, time 1 hour. 1 ke respect mein define ho gaya. The speed kya bani aapki? 40 km per hour. Getting my point? So speed is defined as distance traveled per unit time. Jaise agar aapse keh diya jata, a body travels 80 km in 3 hours, or sorry, in 4 hours, I mean 4 hour मान ली, 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है कितने आवर्स में, 4 hours में। तो बेटा 1 hour में, मैंने बताया ना पर यूनिट टाइम,
मैंने यहां पे ये लिखा क्या कि पर यूनिट डिस्टेंस, नहीं पर यूनिट टाइम, यानी आपको वन के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, चाहे वन आवर बताएं, वन सेकेंड बताएं, टाइम आपका वन यूनिट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। आपने बताया 80 किलोमीटर इन 4 आवर, आप नहीं लगाइए फिजिक्स, आपको मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड लगाइए। भैया 80 किलोमीटर इन 4 आवर, तो बेटा 1 आवर में कितना चला, एक बॉडी 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 4 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। ठीक, 20 किलोमीटर इन 1 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। भाई सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए भाई फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 80/4, सीधा रिजल्ट आ गया 20 किलोमीटर इन 1 आवर, या आ गया 20 किलोमीटर पर। ठीक, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, एक यूनिट और होती है किलोमीटर पर आवर, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, स्पीड कैन इंक्रीज, इट स्पीड कैन डिक्रीज ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान स्पीड बढ़ भी जाती है और स्पीड कम भी हो जाती है। भाई बढ़ती कैसे है, अगर आप डिस्टेंस को ट्रैवल करने लगेंगे विद द फास्टर रेट। ठीक, अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लिया और टाइम आपका 1 आवर ही है, तो भैया स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस कम ट्रैवल किया, टाइम आपका 1 आवर ही है, तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, यानी एक यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने चलने का, यानी मोशन का डिस्टेंस बढ़ गया, स्पीड बढ़ जाएगी, पर एक यूनिट टाइम में अगर आपने डिस्टेंस कम कर दिया, स्पीड कम हो जाएगी। नाउ वी विल गो थ्रू आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड विद दिस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर हैविंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अ बॉडी ट्रैवल्ड 60 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, बॉडी ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, कैलकुलेट इट स्पीड। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला। सो स्पीड इज 60 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 मिनट्स। वन थिंग यू शुड हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट यू शुड फॉलो द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, व्हेन यू आर टेकिंग द डिस्टेंस इन किलोमीटर, द टाइम मस्ट बी इन आवर, द टाइम मस्ट बी इन आवर्स। ओके, व्हेनेवर यू आर टेकिंग द डिस्टेंस इन मीटर, द टाइम मस्ट बी इन सेकेंड। मीन्स मीटर पर सेकेंड, मीन्स अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए। अनदर यूनिट, किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहां देखिए आपने या तो आप डिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, डिस्टेंस को भैया आपने मीटर में बदलेंगे, लेकिन डिस्टेंस जब आप मीटर में बदलेंगे तो आपको मिनट किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, क्योंकि आपके पास दो यूनिट है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो भैया किलोमीटर को बना लेने दीजिए, आप 2 मिनट्स को चेंज कर लीजिए, किसमें, आप आवर्स में चेंज कर लीजिए। हम डिवाइड करेंगे 60 का डिवाइड करने पर, आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में इसको कर चुके हैं, डिवाइड कर दिया ये बच्चा 1/30, ये 30 आपका ऊपर आ गया, ये हुआ 60 × 30, दैट इज 1800, क्योंकि अब आपने इसको आवर्स में कर दिया था, तो ये हुआ 1800 किलोमीटर्स। प्लीज 1800 किलोमीटर पर। Getting my point? So that is the concept for the speed. Now we will begin the concept of the average speed. That is very important, and the numerical question are directly asked in your home exam. अब हम average speed के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये बात है कि सर average speed क्या है? Initial speed plus final speed upon 2. आप 8th class में थे, आप इस्तेमाल करते थे कि when the body travels 50 km/h. Now it travels with 40 km/h. हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, 50 + 40/2, सर एवरेज स्पीड आ जाएगी 45 km/h. एक्चुअली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है,
टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप जाइएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और कहां इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है. मीन्स वेयर एवर वी यूज दिस फॉर्मूला एंड वेयर एवर नॉट वी विल सी टिल द एंड ऑफ वीडियो. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड. सो द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम. यहां पर यूनिट के बारे में बात नहीं हो रही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में. भाई मान लीजिए मैं एक जर्नी पर निकला, पहले मैं चला 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर मैं चला 40 किलोमीटर पर आवर से, तो मैंने अलग अलग स्पीड को अपनाया, लेकिन पूरे मोशन के दौरान मेरा एवरेज स्पीड क्या रहा है. जैसे कि आप देखो, आप जब कानपुर जाते हो तो आपको उरई से कानपुर जाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं. यू कैन टेक 3 आवर्स टू टेक फ्रॉम उरई टू कानपुर. द डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर. द डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर. जब आप हाईवे पर होते हो, व्हेन यू आर ऑन हाईवे, यू आर राइडिंग द बाइक और कार, ड्राइविंग द कार विद द हायर स्पीड. लेकिन जब आप शहर के अंदर आते हैं, आपकी स्पीड कम हो जाती है. तो हम तो टोटल एवरेज लगाते हैं, 100 किलोमीटर चला 3 घंटे लगे, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 33.3. मीन्स एवरेज अगर देखा जाएगा तो 33.33 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 1 घंटे में, मीन्स 1 आवर में. नाउ वी विल गो थ्रू द लेक्चर इन वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस पर टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम. सो एवरेज स्पीड इज फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो हियर वी कैन राइट एज एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time. This formula is important. SI unit meter per second, another unit kilometer per hour. वही बात है, क्योंकि भैया distance की unit क्या होती है आपकी, kilometer. Time की क्या होती है, hour. तो ये हो गया kilometer per hour. Distance की SI unit meter, time की second. तो क्या निकल आया, meter per second. अब आ जाइए, we will move through the numerical problem. And the another important concept which I am going to tell you, that is think and confusion. Think, समझिए. A boy travels from home to school. हमेशा याद रखना, आज ही पहला numerical में मैं करने का तरीका बता रहा हूँ. Numerical दिमाग में पहले solve होता है, copy पे बाद में. Physics में जिस दिन इस चीज को समझ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे. ठीक? मैंने जैसे कहा, a boy travel. आपको आपके दिमाग के assumptions इतने बढ़ाने होंगे, तुरंत आप सोचो, चलो भाई. ये मैंने मान लिया होम, ये माना मैंने स्कूल, और ये मैंने मान लिया बॉय. इस तरह के फिगर्स आपके दिमाग के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे. पेन चलाने में कोई कमी कंजूसी मत रखो. पेरेंट्स आपको जब अगर नेट दिला रहे हैं कि नेट से आप मेरा वीडियो देख पाएं, तो वो आपको इतना भी दिला रहे हैं कि आप पेन का भरपूर इस्तेमाल करें. तो आ जाइए होम टू स्कूल. ओके, तो अ बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम होम टू स्कूल विद 50 किलोमीटर पर आवर. यानी ये ट्रेवल किया कितनी स्पीड से भैया, 50 किलोमीटर पर आवर. चलिए भाई इसकी स्पीड मान ली हमने 50 किलोमीटर पर. ओके, एंड रिटर्न्स इमीडिएटली रिटर्न. भैया देखा लॉकडाउन हो गया है, स्कूल बंद हो गया है, इमीडिएटली बस वाले ने वापस किया, इमीडिएटली रिटर्न्स विद 40 किलोमीटर पर आवर. वापस आया कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर. इसको स्कूल को मैं, ये स्कूल यहाँ, ये होम यहाँ. वापस आया कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, चलिए भाई. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड फॉर्मूला रखा इज इक्वल टू, पहले आपका वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 50 प्लस 40 अपॉन 2. भैया बच्चों का आंसर आ जाएगा 90 अपॉन 2, 45 किलोमीटर पर आवर. बट दिस आंसर इज टोटली इनकरेक्ट. यू विल गॉट द 0 marks इन योर होम एग्जामिनेशन. ठीक, और टीचर दूसरी बात ये कहेगा, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट याद नहीं कर रहे. आ जाइए, हम लगाएंगे फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस नहीं गिवन है, लेट अस कंसीडर इट डी. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लिया आपने, डी. तो गया डी, लौटा डी. जाने तक का यहां से यहां तक कितना डी, लौटने तक का कितना डी. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d.
मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। मैं एक कदम आगे गया, एक कदम पीछे आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 steps। अब टाइम अगर आप देखें तो भैया यहाँ आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। भाई हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए भाई इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस जाने का कितना है? टी। स्पीड कितनी है? 50। तो टाइम कितना लगा? T1 की वैल्यू D/50 कितना हो गया? D/50। ज्यादा होता तो मैं इसको ये टाइम T1 आपका हो गया D/50 और लौटने का टाइम आपने T2 मान लिया, ये टाइम T2 हो गया D/40 आवर्स। ठीक तो भैया इसको लिख लेंगे आप, तो ये हो जाएगा D/50 + D/40 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आगे बढ़ाया आपने स्टेप, 2D LCM लिया, कितना आएगा? 200। 50 का डिवाइड होगा कितना बचेगा यहाँ पे? 4। ये हो जाएगा 4D, यहाँ हो जाएगा कितना? 40 का डिवाइड देंगे, यहाँ हो जाएगा 5D। ठीक है, ये 200 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 + 5 कितना हो गया? 9। तो ये हो गया 2D × 200/9। आपने भैया 90 डी से डी काट दिया, ये हो गया आपका 400/9 km/h। के पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तुरंत डिवाइड किया, 9 × 4 = 36। तो भैया ये आ गया कितना? चलिए 4 बचा, 44.44 km/h। ये आपका 45 नहीं आया, 44.44 km/h। ये मत कहना सर अप्रोक्सीमेटली और ये दीज आर द रबिश। ओके अब इसमें आ जाइए, अ बॉय ट्रेवल 50 km/h फॉर फर्स्ट 2 hours एंड 40 km/h फॉर नेक्स्ट 2 hours। भाई एक बॉय ट्रैवल किया, मान लीजिए इसने ट्रैवल किया 50 km/h से फर्स्ट 2 hours तक, और फिर यहाँ पहुँच गया, फिर नेक्स्ट 2 hours तक कितना ट्रैवल किया? 40 km/h से यहाँ आ गया, फाइनली यहाँ आ गया 50 km/h से 2 hours तक ट्रैवल किया। डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड कितनी है? 50। टाइम कितना है? 2 hours, 100 km। 40 × 2 = 80 km। डिस्टेंस मालूम चल गया यार, टोटल टाइम मालूम कर लेंगे, हम निकाल नहीं पाएंगे। चलिए अप्लाइंग द फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 180, 100 + 80, टोटल टाइम 2 + 2 = 4। आंसर आ गया 45 km/h। यहाँ भी सेम है 50 और 40, यहाँ भी सेम है 50 और 40। यहाँ आपका ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, डायरेक्टली करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन टू, 50 + 40/2 दैट इज 45 km/h। यहाँ अप्लाई क्यों नहीं हुआ बेटा? दिस फॉर्मूला इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन टू is only applicable the above formula is only applicable when time of motion is same or constant। आप यहां देखो, यहां भी 2 hours तक travel कर रहा है, यहां भी, यानी फर्स्ट 2 hours तक और नेक्स्ट 2 hours तक, लेकिन यहाँ टाइम आपको गिवन नहीं है, यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर टाइम कांस्टेंट होगा, यू ट्रैवल 100 km/h फॉर द फर्स्ट 2 hours, 200 km/h फॉर द नेक्स्ट 2 hours, एवरेज स्पीड 150, 100 + 200 / 2। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ मोशन कैसा रहा?
कांस्टेंट रहा। जब भी टाइम ऑफ मोशन सेम होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन टू एप्लीकेबल होगा, लेकिन जब भी डिस्टेंस ऑफ मोशन होगा तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए आशुतोष शर्मा, बेल आइकन दबाइए ताकि मैं आपको आगे भी पढ़ा सकूं फॉर द फर्दर नॉलेज, और अपने इसको फेयर कॉपी में नोट करिए, डू इट इन फेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर। वी विल मीट टुमारो, गुड डे।